ओके तो सबसे पहले बात करते हैं आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो भाई आज का मंडे नाइट रॉ जैसी ऑफ ईयर गया उसके बाद भी वहां पर हमें अंकल हॉडी देखने को मिले थे, और अंकल हॉडी ने भाई यहां पर बहुत खूबसूरत सा यहां पर ट्रिब्यूट भी ब्रे वाइट को दिया, क्योंकि ब्रे वाइट का डेथ को ऑलरेडी एक साल हो चुका है। साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता तो भाई अंकल हॉडी का ये जो मैच था ये 2241 दिन बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर उनका मैच हुआ, मतलब भाई 5 से 6 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो कोई सिंगल मैच के अंदर कम्पीट किए। और कमाल की बात है कि आज के 5-6 साल पहले जब वो मैच के अंदर रेसल गए थे तो वो मैच भी चैट कोल के अगेंस्ट ही था, वो सिक्स मैन टैग टीम मैच था जिसके अंदर बो डैलस लास्ट टाइम रेसल किए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। भाई करंट टाइम इनका फर्स्ट मैच हो चुका है जो कि मेरे ख्याल से काफी एक शानदार मैच, साथ ही साथ इनके जितने भी चेले चपाटे सबका चेहरा हमें देखने को मिल गया, सब नॉर्मल रेसलर के तौर पर मैच रेसल करने वाले, लोग मैच के अंदर भूत बनकर आने नहीं वाले, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल रेसलर की तरह सारे लोग बिहेव कर रहे हैं। अब मैं होप कर रहा हूँ भाई इनको एटलीस्ट एक सर्वाइवल सीरीज के अंदर एक अच्छा मैच दिया जाए या फिर बैड ब्लड पीपी द्वारा वहाँ पर भाई एक अंकल हॉडी को एक अच्छा सा मैच दिया। भाई मैं आपको सही बताऊं तो भाई मुझे 100 में से 90% ये लगता है कि भाई इस साल इनको कोई भी पीपीवी के अंदर आपको मैच देखने को नहीं मिलने वाला, बाकी देखते हैं भाई क्या होता अंकल हॉडी के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई रिसेंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई बेल्जियम शहर के अंदर एक पीपीवी करवाई थी, मैं पीपीवी बोल दिया, एक्चुअली यहां पर भाई एक लाइव इवेंट करवाई, तो वहां पर भाई कोडी रोड्स ने एक बहुत बड़ा वादा किया, वहां पर कोडी रोड्स ऑडियंस से ये वादा करते कि शहर के अंदर आपको पीपीवी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। तो भाई आप लोग समझ लो बेल्जियम शहर के अंदर बहुत ही जल्द आपको पीपीवी देखने को मिलेगा। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंज और रॉक के मैच के बारे में। तो भाई रोमन रेंज और रॉक का मैच इस बार नहीं होने वाला, कैंसिल हो चुका है। इसको लेकर भाई रेसल वर्स जो कि सबसे ट्रस्टेड सोर्स है उन्होंने भाई बहुत ज्यादा नाराजगी जताया, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि पिछले 15 साल का सबसे ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया रेसलमेनिया 41 होने वाला है, वहां पर इस मैच का कैंसिल करने का कोई भी सेंस नहीं बनता, ये मैच वहां पर होना ही चाहिए। और साथ ही साथ रॉक का यहां पर एज भाई 52 हो चुका है, तो यहां पर कोई ऐसा रीजन नहीं इस मैच को पोस्टपोन करने के लिए। अगर रोमन रेंस के साथ अगर 2026 के अंदर अगर मैच रेसल करते तो ऑलरेडी 54 के रॉक उस टाइम पर हो जाएंगे, इसलिए भाई डब्ल्यू वाले के पास सबसे परफेक्ट मौका अगले साल ही मैच को करवाने का, अगला साल सबसे बेहतरीन रेसलमेनिया होने वाला पिछले 15 साल। यहां पर जॉन सिना भी आने वाला, गोल्डबर्ग आने वाला, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जैसे बड़े बड़े लेजेंड आने वाले रेसलमेनिया के। भाई कुल मिलाकर बात है कि भाई अभी से बहुत सारे लोग इस मैच का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस मैच का विरोध कर रहे हैं। मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंस का जिस तरीके से फैन फॉलोइंग है अगला साल भाई फिर से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलने वाला है, इस बार सारे लोग रोमन रेंस का डिमांड में रोमन रेंस वर्सेस रॉक का यहां पर डिमांड करेंगे, तो देखते हैं भाई क्या होता है। भाई फिलहाल भाई रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच का जो रूमर निकल कर सामने आया था वो बिल्कुल सही रूमर था, डब्ल्यू वाले सच में सोच रहे हैं। बात करते हैं जे उसो के बारे में। तो भाई जे उसो के बारे में एक्जेक्टली क्या कहा था रिकी सिने, मैं आपको अब बताता हूं। तो जे उसो के बारे में भाई रिकी सिने सिंपल ये कहा था अगर जे उसो को लेकर अगर प्रॉपर अच्छा स्टोरी ला नहीं तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, या फिर जे उसो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जा सकते हैं, अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फ्यूचर छोड़कर एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। भाई फिलहाल रिकी सिने भाई जो कल स्टेटमेंट दिया था मैं आपको कल ऑलरेडी डिटेल में बताया, तो भाई इसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी सबको ये बात पता चल चुका है। मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले अब भाई जे उसो को थोड़ा सा सीरियस लेने वाले, शायद से चैंपियंस बेल्ट भी जे उसो को दे सकते हैं, चांसेस थोड़ा सा कम है, पर हां भाई एक चीज कंफर्म है कि भाई नंबर वन कंटेंडर के अंदर जे उसो विन करने वाले। देखो सबसे पहले भाई हमें दो रेसलर मिल चुके हैं, सबसे पहले जे उसो, दूसरे रेसलर हमारे बुच है। डब्ल्यू वाले भाई अगले मंडे नाइट रॉक ऊपर फिर से दो ट्रिपल थ्रेड मैच करवाने वाले, कौन कौन से रेसलर है आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इन दोनों मैच में से जो भी रेसलर निकलेगा डब्ल्यू वाले एक फेटल फोर वे मैच 4 रेसलर के बीच में करवाने वाले, 100 में से 90% भाई आप लोग इस बात को कंफर्म मान लो इस मैच के फाइनल में हमारे जे उसो क्वालिफाई होने वाले। जे उसो ब्रॉन ब्रेकर को हराएंगे या फिर नहीं हराएंगे ये अलग मुद्दा है, पर हां जे उसो भाई क्वालिफाई हो जाने वाले। फिलहाल भाई जे उसो को लेकर यही लॉन्ग टर्म प्लान है कि मतलब जे उसो भाई जाकर शायद से रिया रिप्ली के टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद जे उसो सैमी ज़ेन भाई जजमेंट डे के अगेंस्ट टैग टीम मैच के अंदर रेसल कर सकते हैं, क्योंकि टैग टीम टाइटल करंट में जजमेंट डे के पास है। अभी करंट में रिया रिप्ली के टीम के अंदर भाई बंदे का जरूरत भी है, क्योंकि भाई जजमेंट डे कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो शायद से जे उसो सैमी ज़ेन रिया रिप्ली के टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद वो जजमेंट डे को टैग टीम टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते हैं, और जजमेंट डे के हाथ से बहुत ही जल्द आपको टैग टीम टाइटल आपको सैमी ज़ेन और जे उसो के हाथ में आपको जाते हुए दिख सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जिमी उसो के बारे में। तो भाई जिमी उसो अगले स्मैकडाउन के ऊपर आने वाले, ऐसा किसी रैंडम ट्विटर पेज ने भाई इस बात को मतलब डाला है। ऐसा ही बताओ तो भाई अगले स्मैकडाउन के ऊपर जिमी उसो का भाई आने का कोई सेंस बनता ही नहीं, क्योंकि भाई ये बेचारा क्यों आएंगे भाई सोलो सिक्वा से अकेले मार खाने के लिए, तो भाई आने नहीं वाले। रोमन रेंज जब तक आपको स्मैकडाउन के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे, कोई और मेंबर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं बियंका ब्लेयर के बारे में। तो भाई बियंका ब्लेयर रिसेंट टाइम एक बात बोले कि उनके हस्बैंड और एक बास्केटबॉल प्लेयर में कोई डिफरेंस ही नहीं, तो बेल्जियम जहां पर वो गए थे लाइव शो करवाने मतलब वहां पर लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, वैसे यूनिक हस्बैंड भाई मिलते किसको मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं लिव मॉर्गन के बारे में। तो भाई लिव मॉर्गन को एज ए चैंपियन 100 डेज होने वाला है। आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो गया, तो भाई 100 डेज आप लोग मान लो कंप्लीट ही इनको एज ए चैंपियन हो गया। मैं सही बताऊं तो भाई पिछला 100 डेज में मतलब इनका जितना बेटर परफॉर्मेंस रहा है, मतलब पिछले 4-5 साल में इतना बेस्ट हमें चैंपियन कभी देखने को मिली ही नहीं। बेसिकली आज का जो मंडे नाइट रॉ था लिटरली जिस तरीके से लिव मॉर्गन किस कर रही थी डॉम डॉम को, भाई ऑडियंस लिटरली चिढ़ रहे थे बहुत ज्यादा, और मतलब जो प्रो जो हील करेक्टर जिसको कहा जाता है वो प्रो हील करेक्टर को भी ऊपर पार कर चुके हैं करेंट में डॉम डॉम लिव मॉर्गन। लिटरली भाई इतना नॉइज आ रहा था कि डॉम डॉम को अपना कान बंद करना पड़ रहा। तो मेरे ख्याल से भाई अगले 4-5 साल में इतना कमाल का स्टोरी लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें ऑडियंस इतना ज्यादा किसी रेसलर को हेट कर रहा है। डॉम डॉम पहले भी भाई हील
थे, पर भाई अब करंट टाइम बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल पर जा चुके हमारे डॉम। वैसे भाई डॉम आज के मंडे नाइट रॉक पर फिर अपने बाप को हरा दी, ये भी बहुत बड़ा चीज है भाई, पिन करके हरा दी रोल अप के सहारे से मेरे ख्याल। तो देखते हैं भाई अगला साल बाप बेटे का रेसलमेनिया के अंदर मैच देखने को मिलता है, फिर रे मिस्टर भी और कंपनी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं टिफनी और नाया जैक्स के बारे में। तो भाई करंट टाइम इनका दोस्ती मतलब शानदार चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं भाई सोशल मीडिया के ऊपर करंट टाइम ये दोनों बहुत सारे फोटो को डाल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो भाई रोमन रेंस के बारे में बड़ा कमाल का स्टेटमेंट ट्रिपल एच ने दिया। ट्रिपल एच ने भाई सिंपल ये बोला कि रोमन रेंस आज के टाइम पर इतना महान हो चुके हैं कि वो कौन सा करेक्टर प्ले करें लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। बात भी सही है भाई, आज के टाइम लोग सिर्फ रोमन रेंस को देखना चाहते हैं, रोमन रेंस चाहे बेबीफेस करेक्टर में या फिर रोमन रेंस चाहे हील करेक्टर में। बिल्कुल भाई 4 साल का जो रोमन रेंस का ऑरा देखने को हमें मिला भाई, मेरे ख्याल से अगला 20 साल में ऐसा किसी रेसलर का हमें ऑरा देखने को नहीं मिला। रोमन रेंस भाई पूरे रेसलिंग वर्ल्ड का ग्रेटनेस का सबसे बड़ा एग्जांपल है आज के टाइम। सॉरी कभी कभी मैं भी रोमन रेंस का तारीफ कर देता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने द बाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई रैंडी ऑर्टन भाई आज के रॉक पर ये बोले थे कि जब वो बेसिन बर्लिन के अंदर इंटर करेंगे सारे लोग उनका म्यूजिक गाएंगे। ये चीज भाई मेरे ख्याल से ऑडियंस जरूर से करने वाला है, जैसे इंटर करेंगे रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक सारे लोग गाएंगे। साथ ही साथ भाई रैंडी ऑर्टन एक और चीज को बोले थे कि मुझे अब किसी भी चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरा सिर्फ अभी करंट में एक टारगेट है बेसिन बर्लिन के अंदर, मुझे सिर्फ गुंथर को हराना मेरा सिर्फ एक टारगेट है, मुझे 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनकर अगले मंडे नाइट रॉक पर मुझे वापस आना। देखो यार मैं सही बताऊं तो भाई लोग गुंथर को पसंद करते हैं, गुंथर एक हील है उसके बावजूद भी, पर भाई रैंडी ऑर्टन का फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल का। अरेना के अंदर अगर 100 लोग होंगे तो भाई जर्मनी के लोग भी यही चाहेंगे कि इस मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन विन करे। देखो भाई इस मैच के अंदर क्या होने वाला, वैसे भाई इनका मैच जो होने वाला वो मेन इवेंट करने वाला है, भाई लिटरली कुछ भी हो सकता है। वैसे जैसे वैसिन वर्लिन नजदीक आएगा मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ इस मैच के बारे में। मैं आपको बताना भूल गया भाई, एक WWE कंपनी के लेजेंड है जिनका फाइनली भाई आज के दिन डेथ हो चुका है। इनके बेटे ने आज के मंडे नाइट रॉक पर इनके डेथ के बारे में अनाउंस किया, मंडे नाइट रॉक पर इनको ट्रिब्यूट भी दिया गया और इनका डेथ का भाई कारण कैंसर था। मेरे ख्याल से 70-75 साल के एज के साथ से होंगे। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं समंथा के बारे में। तो भाई देखो समंथा अपने टकलू हस्बैंड के साथ कितना करंट में खुश है। बस भाई रिको से को AEW वाले भाई अच्छे से बुक करें, क्योंकि भाई अगर वहां इनको बुकिंग अच्छा नहीं मिलेगा तो WWE कंपनी के अंदर वापस नहीं आने वाले, इनके पास कोई भी भाई राइट टर्न या फिर लेफ्ट टर्न बचा हुआ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं नटालिया के बारे में, भाई मुझे कुछ नहीं बोलना भाई, आप भी देखो मैं भी देख रहा हूं इनका बस। नेक्स्ट बात करते हैं अंडरटेकर के बारे में। तो भाई मेरे ख्याल से सबको पता हो भाई अंडरटेकर को खीरा बिल्कुल भी पसंद नहीं, खीरा का जो टेस्ट होता है मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगता है अंडरटेकर को, इसलिए अंडरटेकर कभी खीरा खाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो भाई आज के मंडे नाइट रॉक ऊपर जब ड्रू मैकइंटायर प्रोमो कट कर रहे थे सीएम पंक, बिलीव नहीं करोगे भाई उस टाइम पर सीएम पंक इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आए हुए थे, सारे लोग भाई बोल रहे हैं जाकर ड्रू मैकइंटायर को मारो। तो भाई बंदा कितना स्टोरी लाइन के अंदर घुस सकता, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल सीएम पंक। सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर का भाई स्टोरी लाइन भाई करंट टाइम बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका है। मेरे ख्याल से भाई इनका जो झगड़ा है भाई मेरे ख्याल से बेसिन बर्लिन जैसे छोटे मोटे पीपीवी के अंदर भाई खत्म नहीं होने वाला है। शायद से बैड ब्लड के अंदर इनका फिर से मैच होने वाला, उसके बाद इनका मैच शायद से रॉयल रंबल तक भी जा सकता है। इवन रिपोर्ट ये भी बता रही है कि रेसलमेनिया 41 तक इनका मतलब रिवलरी जा सकता है। देखो भाई आपको बहुत कुछ अभी देखना बाकी है ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक के रिवलरी के बीच। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉन ऑस्टमैन के बारे में। तो भाई ब्रॉन ऑस्टमैन आज के मंडे नाइट रॉक पर बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए, बहुत सारे लोग भाई बोल रहे थे कि भाई ब्रॉन ऑस्टमैन का ऐसा हालत डब्ल्यूई वाले क्यों दिखा रहे हैं। तो भाई बात बहुत सिंपल है भाई, डब्ल्यूई कंपनी का ये पुराना रूल है जब एक रेसलर जब ओल्डर हो जाता तो उसका यूज किया जाता है। अगर आपको याद होगा ब्रॉन ऑस्टमैन जब 2015-16 के टाइम पर आए थे तो लिटरली ये ब्रॉक लेसनर सबको मारते थे, केन जैसे रेसलिंग हिस्ट्री के सबसे बड़े मॉन्स्टर और विक्सो को भाई बुरी तरीके से मैच के अंदर हराए। तो भाई 2015-16 के टाइम पर ब्रॉन ऑस्टमैन का हमें मतलब प्राइम देखने को मिला था, उस टाइम पर रिंग वगैरह सारा चीज इन्होंने तोड़ा था। अब करंट टाइम डब्ल्यूई कंपनी को एक नया मॉन्स्टर अब ब्रॉन्जर रीड करंट टाइम मिल चुका था, अब इनका एरा आ चुका है, इसलिए डब्ल्यू वाले ने इस वाले मूव को किया। अब शायद से ब्रॉन ऑस्टमैन भाई आपको लंबे टाइम बाद फिर से आपको टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगा। आप लोग ये भी कह सकते हो करंट टाइम डब्ल्यू वाले ब्रॉन ऑस्टमैन को बिल्कुल एक जॉबर बनाकर छोड़ दिया। आप डब्ल्यू वालों को गाली दो या फिर मतलब कुछ भी करो भाई, पर हाँ यही रोल है। ब्रॉक लेसनर जैसे लेजेंड जब कोडी रोड्स जैसे नूब से मैच हार सकते हो तो मतलब भाई कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप मर्चेंडाइज सेलर के बारे में। तो भाई करंट टाइम में सीएम पंक नंबर 1 पर लिस्ट पर पहुंच चुके हैं, सीएम पंक भाई करंट टाइम में 8-8 प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जो कि सबसे टॉप मर्चेंडाइज सेलर की लिस्ट में सबसे टॉप। उसके बाद भाई रोमन रेंस का नाम है नंबर 3 पर, जे उसो का नाम है, फिर रैंडी ऑर्टन का नाम है, फिर कोडी रोड्स का नाम है। जे उसो भाई करंट टाइम में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डेवन प्रीस्ट और रिया रिप्ली के बारे में बात करें तो भाई इन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया, इनका रिवलरी टूर जो रहने वाला वो खत्म नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से भाई अभी इनका रिवलरी बहुत लंबा खींचने वाला, अभी फिन बैलर को भाई 1v1 मैच अभी करना है डेवन प्रीस्ट के साथ, इनका मैच आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा। तो अभी देखते जाओ भाई जजमेंट डे के अंदर अभी बहुत सारा लंबा गेम होने वाला, इतना बड़ा फ्रैक्शन को डब्ल्यू वाले इतना आसानी से खत्म नहीं करने वाले। हाँ जे उसो सैमी जेन भाई शायद से रियल रिप्ली की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूं। आज का भाई वीडियो इतना ही था भाई, वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करो, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बस भाई और क्या मजे मजे करो जिंदगी में और क्या।